दोस्तों इंडिया में आज तक बहुत सारी हॉरर मूवीज रिलीज हो चुकी है, जिनमें से ज्यादातर हॉरर मूवीज की स्टोरी एक जैसी होती है, वो है रिवेंज हॉरर स्टोरी, जहां फिल्म की शुरुआत में कोई किसी को मार देता है और फिर उस मरे हुए इंसान की आत्मा मारने वाले के परिवार के पीछे पड़ जाती है। इसी टाइप की स्टोरी हमें ज्यादातर हॉरर मूवीज में देखने को मिलती है, लेकिन कुछ हॉरर मूवीज अलग होती है जिनकी स्टोरी बहुत ही ज्यादा फ्रेश और यूनिक होती है और इनका हॉरर एक अलग ही लेवल पर होता है। और आज हम इस वीडियो में ऐसी ही हॉरर मूवीज की बात करने वाले हैं, जो है टॉप 5 मोस्ट यूनिक इंडियन हॉरर मूवीज। और नंबर 5 पर है डरना मना है। ये फिल्म रिलीज हुई थी 2003 में और ये फिल्म आज तक की सबसे यूनिक और मोस्ट इनोवेटिव मूवीज में से एक है। इस फिल्म में हमें 6 मोस्ट यूनिक और क्रिएटिव शॉर्ट हॉरर स्टोरीज दिखाई है और इन शॉर्ट हॉरर स्टोरीज में हमें एकदम सिंपल चीजों को एज अ गोस्ट एंटिटी दिखाया है। ये फिल्म इस लिस्ट में इसलिए नहीं है क्योंकि ये फिल्म आपको डराती है, बल्कि इसलिए है क्योंकि ये फिल्म आपको ढेर सारे शॉक्स देती है और आप इस फिल्म को बिल्कुल भी मिस ना करें। इस फिल्म का एक सीक्वल भी आया था, डरना जरूरी है। इस फिल्म में भी हमें कुछ शॉर्ट हॉरर स्टोरीज दिखाई है और ये फिल्म भी बहुत ही ज्यादा यूनिक है। नंबर 4 पे है 6-5=2। ये एक कन्नड़ा लैंग्वेज फाउंड फुटेज मूवी है जो रिलीज हुई थी 2013 में और ये फिल्म इंस्पायर्ड है अमेरिकन मूवी द ब्लेयर विच प्रोजेक्ट से। इस फिल्म की स्टोरी शुरू होती है 20 अक्टूबर 2010 में, जहां 6 फ्रेंड्स रमेश, नवीन, कुमार, प्रकाश, दीपा और सोमिया वेस्टर्न घाट्स के एक माउंटेन पर 5 दिन के लिए ट्रेकिंग करने जाते हैं, जिनमें से रमेश के पास एक कैमरा होता है जिसमें वो अपनी पूरी ट्रेक को शूट करता है। लेकिन तीसरे ही दिन उनके साथ कुछ सुपरनेचुरल इंसिडेंट्स होने लगते हैं और उन्हें पता चलता है कि एक इवल एंटिटी उनके पीछे पड़ चुकी है और वो सभी कैरेक्टर्स अपनी जान बचाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन उनमें से 4 कैरेक्टर्स की बहुत ही दर्दनाक मौत हो जाती है। सोमिया कहीं पर गायब हो जाती है और सिर्फ प्रकाश ही वापस सिटी में पहुंच पाता है। इस इंसिडेंट के 9 दिन बाद रमेश का कैमरा एक फॉरेस्ट ऑफिसर को मिलता है और उस कैमरा की रिकॉर्डिंग ही हमें इस फिल्म में दिखाई है। इस फिल्म की स्टोरी बहुत ही ज्यादा यूनिक है, लेकिन साथ ही साथ ये फिल्म बहुत ही ज्यादा डरावनी भी है और अगर आप एक हार्डकोर हॉरर फैन है तो इस फिल्म को आप बिल्कुल भी मिस ना करें। नंबर 3 पे है 13B। ये एक 2009 की तमिल लैंग्वेज साइकोलॉजिकल हॉरर मूवी है स्टारिंग आर माधवन। इस फिल्म में एक फैमिली एक नए अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाती है, लेकिन जल्द ही उनके साथ कुछ सुपरनेचुरल इंसिडेंट्स होने लगते हैं और ये सारे इंसिडेंट्स वो एक टीवी सीरियल में भी देखते हैं। ये फिल्म आपको टीवी देखने से डराएगी और अगर आप टिपिकल रिवेंज हॉरर स्टोरीज देखने से बोर हो चुके हैं तो इस फिल्म को आप जरूर देखिए। ये फिल्म आपको एक यूनिक और टेरिफाइंग हॉरर एक्सपीरियंस जरूर देगी। नंबर 2 पर है हॉरर स्टोरी। ये फिल्म रिलीज हुई थी 2013 में। इस फिल्म में 7 फ्रेंड्स एक हॉन्टेड होटल में जाते हैं जो पहले एक मेंटल हॉस्पिटल था, जहां एक पागल लड़की की मौत हो चुकी है और उसकी आत्मा उसी होटल में भटकती रहती है। ये सब जानते हुए भी ये 7 फ्रेंड्स उसी होटल में जाते हैं और कुछ ही देर में उनके साथ कुछ सुपरनेचुरल इंसिडेंट्स होने लगते हैं और उनके पीछे उस पागल लड़की की आत्मा पड़ जाती है। अब इन 7 फ्रेंड्स में से कौन मरता है और कौन बच पाता है, ये तो आपको इस फिल्म में पता चलेगा। इस फिल्म की स्टोरी रिवेंज पर ही बेस्ड है, लेकिन इस फिल्म का फोकस सिर्फ हॉरर पर ही है। इस फिल्म में आपको कोई सॉन्ग, कोई ड्रामा, कोई रोमांस कुछ भी नजर नहीं आएगा। इस फिल्म का प्राइमरी फोकस सिर्फ हॉरर पर ही है और सचमुच दोस्तों ये फिल्म आज तक की सबसे ज्यादा डरावनी हॉरर मूवी है। इस फिल्म का हॉरर एक अलग ही लेवल पर है और मुझे पिछले वीडियोस में ढेर सारे कमेंट्स आए हैं कि ये फिल्म इंडिया की मोस्ट स्केरियस्ट मूवी है और आप इस फिल्म को बिल्कुल भी मिस ना करें। और अब बात करते हैं नंबर 1 मोस्ट यूनिक हॉरर मूवी की और वो है 2018 की तुम्बाड, रिटर्न एंड डायरेक्टेड बाय राही अनिल बर्वे, स्टारिंग सोहम शाह। ये फिल्म आज तक की सबसे ज्यादा यूनिक और फ्रेश हॉरर मूवी है। ग्रीड यानी लालच इस फिल्म का हॉरर एलिमेंट है। इस फिल्म में हमें एक फैमिली की 3 जनरेशन की स्टोरी दिखाई है और इस फिल्म की क्रिएटिविटी एक अलग ही लेवल पर है। ये फिल्म हमें दिखाती है कि कैसे इंसान लालच में अंधा हो जाता है और सचमुच दोस्तों आपने ऐसी हॉरर मूवी आज तक कभी नहीं देखी होगी। एक यूनिक और फ्रेश हॉरर एक्सपीरियंस के लिए आप इस फिल्म को जरूर देखिए। तो दोस्तों ये थी लिस्ट टॉप 5 मोस्ट यूनिक इंडियन हॉरर मूवीज की। ये लिस्ट मैंने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बनाई है, तो जरूरी नहीं कि आप इस लिस्ट से एग्री करें और कमेंट्स में मुझे जरूर बताइए कि आपकी फेवरेट यूनिक हॉरर मूवी कौन सी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मिस ना करें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसा ही कंटेंट लाता रहूंगा। टिल देन कीप वॉचिंग मूवीज मैनियक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।